भी शेष करेंगे राशन तुम्हारा अखिलेश करेंगे अखिलेश करेंगे। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भावुक ट्वीट, आज पहली बार लगा कि बिन सूरज के होगा सवेरा, कल ही हुआ है नेताजी का अंतिम संस्कार। तो कल नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव की तरफ से एक भावुक ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि आज पहली बार लगा है कि बिन सूरज के सवेरा हो गया है और कल ही हुआ है नेताजी का अंतिम संस्कार, जिसके बाद आज अखिलेश यादव की तरफ से ये भावुक ट्वीट किया गया। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में हर ओर शोक की लहर है। कल उनका दोपहर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देखा गया कि लाखों की संख्या में उनके जो समर्थक थे, जिनके चाहने वाले थे, वो पहुंचे हुए थे। पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनकी तरफ से ये भावुक ट्वीट किया गया। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में हर ओर शोक की लहर है। सैफई में महिलाएं रोती हुए अपने नेताजी को याद कर दुखी हो रही हैं। महिलाओं से बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता मोहित राजदुबे ने। किसानों के नेता और समाजवाद के स्तंभ मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस वक्त उनके आवास पे मौजूद हूं और यहां पर देखिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और इस बार आपको बता दें कि सैफई की दिवाली सुनी हो गई, इस बार सैफई दिवाली नहीं मनाएगा। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इन महिलाओं से हम बात करेंगे और समझेंगे कि नेताजी का जो व्यक्तित्व था, जो योगदान था, वो कितना था। अरे हम लोगों को बहुत नेताजी प्रिय थे, उनका बहुत, हम लोगों गरीब चाहे अमीर हो, किसी को भेदभाव नहीं समझते थे। अधूरा हो गया माना जाए, अधूरो एगो सबसे अधूरो एगो सैफई हो गई, टाब हो गई, सब अधूरे ही हो गए। हमारे नेताजी हमारे मालिक मुखिया थे, आज हमारा मालिक मुखिया ही चला गया। हर इंसान गमजदा है, दुखी है। हम लोग नेताजी को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना तो सब सुना ही हो गया है। मैं उन्हें इस तरह से देखती हूँ कि ऐसा दुनिया में, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ना कभी था, ना होगा, ना आगे कभी आएगा। महिलाओं के मन में भी उतनी ही पीड़ा है जितनी सबके मन में पीड़ा है। बिलखती हुई रोती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि हमारा सहारा चला गया और इस बार हम सैफई में दिवाली नहीं मनाएंगे। तो इस बार सैफई में दिवाली नहीं मनाएंगे, लोगों का कहना है, लोग दुखी हैं, भावुक हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट आज किया गया सुबह सुबह, और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, और उसके बाद आज जब सुबह हुई सैफई में तो सभी के चेहरे मायूस थे, दुखी थे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, मुलायम का नाम है जो भारत रत्न की शोभा बढ़ाएगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, मुलायम वो नाम है जो भारत रत्न की शोभा बढ़ाएगा। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने इसको लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है।